अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है, एक लिवर है, एक ब्रेन है, एक स्प्लीन है, ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है। जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलान से कि जलान तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा, क्या इसके लिए तुम तैयार हो? वो तैयार हो गए, उनसे कहा हम तुम लीडर। अब अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर है, आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप देख लीजिए। अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी, आपकी नहीं, आप लीडर के दोष नहीं लगाए। एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था, उन्हीं के छोटे भाई, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए, मेरे पीठ पे फोड़े निकल आए बड़े बड़े गर्मी से। मैंने कहा देखो तुम क्या मेरे पीठ पे फोड़े निकाल, वो हैरान रह गए। मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं जिनको मैंने वहाँ अधिष्ठित किया है, ये मुझे सबसे प्यारे हैं, और इनको चैलेंज मत करो, कृपया इनको चैलेंज मत करो, मैं इनको संभाले हुए हूँ, इनके ऊपर मेरे पैर हैं, इनको मत ही लाओ किसी भी तरह से, जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूँगी, उसकी जिम्मेदारी मेरे पर तुम्हारे ऊपर नहीं। ये बात समझ लेने की है कि जो हृदय का चालक है उसको अगर आप कहें कि तू हट मैं आता हूँ, अपनी बराबरी उनसे नहीं करनी है, इसलिए क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ, मैं हर एक आदमी को नहीं देख सकती, लेकिन उनके थ्रू मैं हर एक को देखती हूँ और जानती हूँ पहचानती हूँ। और ये सहयोग का एक बड़ा भारी दोष है कि लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, इसको क्रिटिसाइज करते हैं, वो लीडर बनते हैं तो उन्होंने ये क्यों किया, आपका ये नहीं देखने का, ये मैं देख ले सकती। और आपको पता नहीं बड़े बड़े लीडरों को उठा के फेंक दिया सहयोग, बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की जिनको दुनिया मानती थी कि भाई ये सबसे पहले आए बड़े भारी लीडर है, और लीडर को तो और भी संभल के रहना चाहिए, उनको तो पहले ही पकड़ आ जाती, घमंड आ जाता है कभी कभी, अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लीडरों को तो बहुत ही संभल के रहना चाहिए कि ये सबको जोड़ते जाना है, जो आदमी तोड़ने का प्रयत्न करेगा किसी भी वजह से और समझदारी का काम नहीं लेगा वो अपनी लीडरशिप को खो बैठता। तो लीडरशिप लेना भी एक बड़ी भारी जिम्मेदारी का काम है, और आप सबको चाहिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में समझना चाहिए कि माँ ने इन लोगों को नियुक्त किया है और उनको चैलेंज नहीं करना किसी भी। दो लीडर्स में भी झगड़े हो जाते हैं, ये तो सब अहम ब्रह्मास्मि तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ने खड़ा हो गया, ये भी देखा है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, आपस में समझदारी रखो। अधिकतर मुझे को लेके झगड़ा होता है, बताइए कितनी बुरी बात है कि मुझे को लेके लोग झगड़ा करते हैं कि माँ को ऐसा क्यों किया, कोई कहता तुम कहता माँ को ऐसा क्यों किया, अरे भाई तुम्हारी माँ तो दीवानी औरत है, उसका कुछ ठिकाना है? आज यहाँ बैठी है कल वहाँ बैठी है, उसका क्या ठिकाना है, छोड़ दो उसको।